नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। जनपद के बक्सर स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से मंदिर के घाटों, मंदिर के परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य, मंदिर पर साइनीज का कार्य राजा राव राम बक सिंह, शहीद पार्क के सौंदर्यीकरण तथा मंदिर के सौंदर्यीकरण आदि के निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण आज जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने किया। जिलाधिकारी ने यह बताया कि बक्सर में स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर को पर्यटन के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मां चंद्रिका देवी मंदिर के विभिन्न प्रकार की आकर्षित परियोजनाओं को लागू करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित विभिन्न विभागों के कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि डीपीआर के अनुसार परियोजनाओं को पूरा किया जाए। परियोजना की लागत के बारे में बताया गया कि मंदिर की घाटों के निर्माण की स्वीकृत लागत 8.96 करोड़, मंदिर के परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य 5.30 करोड़, मंदिर पर साइनीज का कार्य 0.52 करोड़, राजा राव राम बक्सिक शहीद पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य 4.69 करोड़, चंद्रिका देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य 3.41 करोड़ की लागत से पर्यटन विभाग संबंधित कार्य करा रहा है, जिसका कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यूनिट एवं उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी लिमिटेड लखनऊ के द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बक्सर में स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में हो रहे कार्यों में पक्का घाट, चेंजिंग रूम, पार्किंग स्थल, शौचालय आदि का स्थलीय निरीक्षण किया। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने जाने के निर्देश दिए। पर्यटन स्थल को व्यवस्थित कराए जाने एवं उसकी देखभाल हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठन किए जाने पर भी जोर दिया। अमर शहीद राजा राम राव बक्स सिंह शहीद पार्क के सौंदर्यीकरण के बारे में विस्तार से जिला उद्यान अधिकारी महेश श्रीवास्तव से पार्क में किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली, जिस पर उद्यान अधिकारी ने बताया कि विभाग को इस तरह की परियोजनाओं के बारे में किसी तरह की आपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई निर्माणधीन परियोजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त करते हुए तकनीकी जांच टीम का गठन करके अपनी रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, उप जिलाधिकारी बीजापुर दयाशंकर पाठक, उप निदेशक सूचना डॉ. मधु तांबे, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजदीप वर्मा, ग्राम प्रधान बक्सर मुन्ना सिंह, संबंधित विभागों के तकनीकी एवं अधिशासी अभियंता एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनिल प्रजापति की रिपोर्ट।